नमस्कार दोस्तों। तो आज की सब्ज़ी बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरे बेटे के बर्थडे पे मैंने बनाई है और हमने मिलके बनाई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये एक नया तरीका है, इससे पहले मिक्स भाजी आपने बहुत देखी होंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान लिया हुआ है, सब बताऊँगा आपको कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है। शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स, मटर, गाजर, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, आलू। तो यहाँ प्याज और लहसुन अदरक को हम पीस लेंगे और थोड़ा प्याज मैंने बचा के रखा हुआ है, वो मैं ऐसे ही डालूंगा। जैसे ये आपको कटा हुआ दिख रहा है उसी तरह से मैंने काट के रखा हुआ है एक प्याज, और ये दो प्याज मैं पीस लूँगा। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। और यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले रहे हैं, सरसों का तेल है। यहाँ पे डालेंगे धनिया सूखा, साथ में डालेंगे जीरा, साबुत जीरा है, साबुत धनिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक प्याज रखा हुआ है, तो वो एक प्याज काट के मैंने रखा हुआ था वो डाल दिया। और तीन चार हरी मिर्चें क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी काट ली हैं, बीच से चीरा लगा के। ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी और ये बनती बहुत बढ़िया है, मैं अक्सर बर्थडे पे ये सब्ज़ी बनाता हूँ। और यहाँ गोभी को फ्राई करेंगे, गोभी मैंने बड़े बड़े पीसों में काटी है। इसमें पानी का यूज़ अभी नहीं होता है, इसमें एकदम लास्ट में पानी का यूज़ होगा। अभी हम तेल में ही सारी सब्ज़ियों को फ्राई करेंगे। तो पहले हमने गोभी डाली है क्योंकि गोभी देर से गलती है, तो इसलिए पहले गोभी को फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ थोड़ी देर के बाद इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, करीब दो मिनट हमने गोभी को फ्राई किया, उसके बाद शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च के साथ भी फ्राई करेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप हर एक सब्ज़ी अपने आप फ्राई होती रहेगी और सब्ज़ी हमारी गलती भी रहेगी। बर्थडे का खाना बहुत सारा बना था, यहाँ बीन्स ऐड कर देंगे। और भी रेसिपी हैं बर्थडे के लिए जो मैं बनाई थी, वो भी मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करता रहूँगा। यहाँ पे अब डाल देंगे गाजर, मेरे वीडियो आएंगे तो समझ जाइएगा कि वो बर्थडे के हैं सारे वीडियो। और ये खाना बन रहा है करीब 10 लोगों के लिए, 10 से 12 लोगों के लिए, क्योंकि ये सब्ज़ी अकेली नहीं है, इसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी सब्ज़ियाँ बनाई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अब इनको भी अच्छे से फ्राई करते रहना है आपको, और चलाते रहें वरना कोई सब्ज़ी नीचे से जले ना। तो करीब 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगा टमाटर। टमाटर भी मैंने बड़े बड़े साइज में काटे हुए हैं। अब टमाटर के साथ यहाँ हरी मटर यूज़ करनी है, तो मैं इसमें यूज़ करूँगा करीब 100 ग्राम के करीब हरी मटर, फूल गोभी 1 किलो थी, और ये आलू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे करीब 250 ग्राम। हमें और 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है ताकि गाजर, बीन्स और मटर, आलू सब बढ़िया तरीके से एकदम फ्राई हो जाए तेल में, और इसको चलाते रहना है आपको। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था पहले, इसमें प्याज और अदरक और लहसुन था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वो मैंने पीस लिया था, इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है इसमें, एकदम हरी सब्ज़ियाँ हैं, हरी हरी, बहुत ही बढ़िया लगती है ये सब्ज़ी खाने में। बहुत सारी सब्ज़ियों का टेस्ट एक ही सब्ज़ी में मिल जाता है। तो अब करीब 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार, आप जैसा खाते हैं वैसा नमक यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर डालेंगे गरम ये धनिया पाउडर, ये मिर्च पाउडर 2 चम्मच से करीब डाल देंगे, धनिया पाउडर भी 2 चम्मच यूज़ किया, हल्दी डालेंगे 1 चम्मच, इसको मसाले के साथ भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ इसे ज़्यादा देर ना भूने, ये नीचे से फिर लगने लगेगा क्योंकि सारा तेल मसाला पी जाते हैं। तो इसको करीब 1 मिनट तक चलाने के बाद फिर इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। तो
तो यहाँ पे हम डाल देते हैं गरम मसाला। गरम मसाला हम ले रहे हैं आधा पैकेट, ये 10 रुपये का पैकेट आता है, तो करीब 5 रुपये का मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। आप मसाला गरम मसाला घर पे भी पीस सकते हैं बाजार से लेके खड़ा मसाला। क्योंकि मैंने सब्ज़ियाँ बहुत सारी बनाई थी तो इसीलिए वो मसाला ख़त्म हो गया, तो मैं रेडीमेड यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पानी ऐड करना है। पानी आपको इतना रखना है कि ये इस सब्ज़ी को ग्रेवी वाला नहीं बनाना है, इतना रखना है पानी जिसमें कि आपके आलू गल जाएँ और गोभी गल जाए, वो हिसाब से पानी यूज़ करें। क्योंकि इस सब्ज़ी में ग्रेवी नहीं रहती है बिल्कुल भी, ये सब्ज़ी सूखी बनाई जाती है और इसे पूरी के साथ शादियों में पार्टियों में खिलाया जाता है और लोग इसे पूरी के साथ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने कहा बर्थडे की रेसिपी है तो वही हिसाब से है। तो पानी हमारा सूख चुका है और सब्ज़ी भी हमारी गल चुकी है, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया, जो हमने हरा धनिया काटा हुआ है फ्रेश। हरा धनिया डालने से इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो सब्ज़ी फाइनली हमारी बनके तैयार है, अब इसे हम निकालेंगे इससे बाहर। आप कभी भी एक बार ट्राई कीजिएगा बना के, मैंने ज़्यादा मात्रा में बनाई है, आप कम मात्रा में बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। मैं बहुत सारी रेसिपी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आजकल पेज पर, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।